धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मेरे एक मित्र ने कल एक वीडियो मेरे पास भेजा है, जिस वीडियो में कोई एक है नादान अपढ़ जो कह रहा है कि वेदों की खाल उतारी जाएगी, वेदों की खाल उतारी जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ अकल के दुश्मन से, वेद है क्या जिसकी तुम खाल उतार रहे हो? खाल किसकी उतारी जाती है इतना भी अकल तुम्हारे पास नहीं है, और तुम वेदों की खाल उतारने की बात कर रहे हो। वेद है क्या? तुम्हारा 14 खानदान भी नहीं जानता है कि वेद क्या है, किसको वेद कहा गया, किसको वेद बोला गया है। मुझे लगा ये वीडियो जो बनाया है जिन लोगों ने, ये कोई वो मूल निवासी वाले हैं, शायद वो अपने को मूल निवासी कहें। तो ये मूल निवासी वालों में आपने देखा पिछले दिन जिसका नाम चंद्रशेखर रावण बताया जाता है, जो शाहीन बाग में भी गिरफ्तारी दी थी और फिर जामा मस्जिद में जा कर के बकवास किया था। उसने बोला था कि कोई मुझे गलती दिखा दे तो मैं गुलामी करूंगा, और उसको मैं 50 गलती दिखा करके वीडियो बना के भेजा, आज तक इसका पता नहीं। ये सब दुगले लोग हैं, ये ऐसे लोग ये वेदों की खाल उतारने की बात कर रहे हैं। आइए ज़रा उनके वीडियो को सुनिए, 15-17 मिनट का है शायद, और उसके वीडियो को सुनिए, और उसको रोक रोक करके मैं उसका एक एक शब्द का जवाब आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग जरा ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और मंथन कीजिए। तो स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आपने गौर किया होगा, जब भी किसी धार्मिक से आप बात करेंगे वह अपने धर्म ग्रंथ की डींगे हांकना शुरू कर देगा। एक मौलाना मुफ्ती हाफिज कुरान पढ़ने की सलाह देगा, उसकी खूब डींगे हांकेगा, ऐसे जैसे कि आपने कुरान न पढ़ी हो। हाफिज कह रहा है, हाफिज, इसको ये पता ही नहीं है कि हाफिज नहीं होता, हाफिज होता है। जीम जाल जे जोए स्वाद, 5 अक्षर है एक ही वजन का, और एक को हटाकर हम दूसरा अक्षर लगाएंगे, अर्थ बदल जाएगा। कि जिन मूर्खों को इतनी सी अकल नहीं है, इतनी बातों की जानकारी नहीं है, और ये लोग साइंस चला रहे हैं, साइंस, अबे तेरा साइंस है क्या? सामने आकर के बात कर, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, और तुझे ये अकल ही नहीं है क्या हाफिज होता है, क्या हाफिज होता है? और जीम और जे दोनों के उच्चारण में भेद है, और उस भेद को तू जानता नहीं है, और वीडियो बना रहा है, दुनिया को दिखा रहा है। केवल इतना ही नहीं, इसके देखिए कहाँ कहाँ क्या बोला है, मैं और सुना रहा हूँ आप लोगों को। तो आपने दुनिया की सबसे बड़ी भूल कर दी हो, ऐसे जैसे 1400 साल से पहले इंसान और दुनिया ही नहीं थी। उसी तरह एक ब्राह्मण संप्रदाय का गुलाम सेवक वेद की डींगे हांकना शुरू करेगा, बात चाहे जो हो, उत्तर उसकी वेद से ही शुरू होगी और खत्म भी वेद पे ही होगी। वेद पढ़े हो? वेद पढ़े होते तो ऐसा ना बोलते, वेद में सारे उत्तर दिए गए हैं, वेद में ही विज्ञान है, वेद में ही ज्ञान है, और वेद में ही अध्यात्म है। ऐसी डींगे सुन सुनकर अगर आप बोर हो गए हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में वेदों की ऐसी खाल खींचकर उतार दी जाएगी और फिर आपको वेद का असली चेहरा दिखाया जाएगा। देखिए, वेद की खाल खींचकर उतार दी जाएगी। इस अकल के दुश्मन को, इस जाहिल को यह पता नहीं है कि वेद है क्या जिसका तू खाल खींच रहा है। मूर्ख, वेद है क्या तू जानता है? पहले तो सुन ले, शिक्षा शब्द जिसको व्युत्पादने धातु से ये प्रत्यय तत्पश्चात ढाए प्रत्यय करने के बाद शिक्षा शब्द बनता है। स्वर वर्णो शिक्षयते उपदिश्यते सा शिक्षा। शिक्षा क्या है पहले सुन, अर्थात जिस शास्त्र में स्वर वर्ण आदि उच्चारण आदि की पद्धति सिखाई जाती हो उसका नाम शिक्षा है, और तुझे ना तो उच्चारण करने का पता है, ना उच्चारण कैसा होता है वो जानकारी है,
और ना तू जानता है। अच्छा, शिक्षा से जब तू कोसों दूर है तो तू क्या बोलेगा साइंस, और साइंस क्या दिखाएगा जो बेलों का बेल का खाल उतार रहा है। तो महामूर्ख है जब शिक्षा कोई नहीं जानता। यह योगरूढ़ शब्द है। अतः जिस किसी विषय के शिक्षण ग्रंथ को शिक्षा के रूप में वेदांग नहीं समझना चाहिए। इस शास्त्र में वर्णों के उच्चारण की विधि तथा निषेध रूप से वर्णन मिलता है। किसमें? ये वेद में, वैदिक शिक्षा में ही उच्चारण, वर्ण का उच्चारण कैसा होता है वो जान पाएगा। किसी और जगह नहीं है। जहाँ से तू बोल रहा है तुझे अकल नाम की कोई चीज़ नहीं आता, तू जानता है कि वर्ण किसको कहा जाता है। किस प्रकार शरीरस्थ वायु वर्ण रूप में परिवर्तित हो जाता है, कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं, इसका क्या स्थान है, उच्चारण में क्या प्रयत्न अपेक्षित है, वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए, इत्यादि विषयों का विचार अब सुन ले धैर्यपूर्वक। कि स्वर, ये वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान इत्युक्त शिक्षाध्याय, ये नीति में आया। इस प्रकार यह शिक्षा शास्त्र आकार आदि वर्णों के उत्ता उदत्तादि सरो हर्ष आदि मात्राओं कंठ आदि स्थानों सुपर्ण आदि सुपर्ण स्पृष्टतादि अभ्यंतर प्रयत्नों घोषणादित्य ब्राह्मण नवस्पदे धातुर्यादि गुणों ग्रस्तादि दोषों का उपदेश करता हुआ वेद का महान उपकारक सहायक सिद्धि होता है। वेद कहाँ से सिद्धि हुआ है देख ले। फिर वेद पाठ के स्वर पर स्वर युक्त शुद्ध उच्चारण शुभ फलदायक और भ्रष्ट स्वर युक्त, यानी अगर शुद्ध उच्चारण नहीं किया तो उसको भ्रष्ट युक्त अशुद्धोच्चारण अनिष्ट फलदायक माना जाता है। जब तुझे उच्चारण ही नहीं आता, इसीलिए उस जब वो उच्चारण नहीं आएगा, दोषपूर्ण उच्चारण करने से उसका फल अशुभ होता है। उपर्युक्त विषयों की ठीक जानकारी के बिना वेद मंत्रों का उच्चारण भी ठीक नहीं कर पाएगा। जैसे व्यवहार वर्णों का यथावत उच्चारण होने से वक्ता जिस अभिप्राय से शब्दों का उच्चारण करता है, श्रोता उस अर्थ को समझने में यथार्थ रहता है अथवा कठिनाई अनुभव करता है। इसलिए प्राचीन आचार्यों का कहना है कि दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमः, ये महाभाष में आया है। इसी प्रकार अन्यत्र भी कहा गया है, स्वजना सजनो माभूत सकलम सकलम सक्री साकृता, अर्थात सुन ले जय अनभिज्ञ। यहाँ क्या उच्चारण हो रहा देखिए, स्वजन, स्वजन शब्द का अर्थ होता है अपना, अपना व्यक्ति, और स्वजन कुत्ते का बच्चा, यानी दंत स्व से लिखा स्वजन, तो उसका अर्थ होता है अपना व्यक्ति, और उसी को तालव्य स्वर से लिखा स्वजन तो कुत्ते का बच्चा। सकल, सकल माने संपूर्ण, और उसी को तालव्य स्वर से लिखेगा शकल, शकल माने टुकड़ा। सकृत, सकृत माने एक बार एक स्थान पर, सकृत मल विष्ठा, यानी दंत स को तालव्य स बनाने से यहाँ सकृत के माने होता है मल विष्ठा, अर्थात तू जो बोल रहा है तेरे यहाँ कितनी अशुद्धियाँ हैं। तू जो देश शब्द बोलना नहीं आता, देश देश बोल रहा है। सुनिए इस मूर्ख के वीडियो को।
सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि वेद को समझा कैसे जाए। मार्केट में बहुत सारे भाष्य उपलब्ध हैं। क्या वेद को समझने के लिए भाष्य की जरूरत है या फिर संस्कृत की जरूरत है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। हम सभी जानते हैं कि भारत में संस्कृत कभी भी जनमानस की भाषा नहीं रही है और न ही। देखिए, ये कितना जाहिल है, मूर्ख है। ये कह रहा है कि संस्कृत कभी भी जनमानस की भाषा नहीं रही है। भाषा भी बोलना नहीं आता। जब भी मैं तालवश दंत स से उच्चारण करने से क्या अंतर होता है वो मैं रख दिया हूँ। अब ये भाषा बोल रहा है, संस्कृत कभी भाषा नहीं रही। अरे मूर्ख नालायक, बच्चा जब जन्म होता है तो कौन सी आवाज़ से वो रोता है? वो रोने हंसने चिल्लाने पुकारने की आवाज़ उसकी कौन सी होती है, किस भाषा में रोता है? उसी का ही नाम स्वर है। मूर्ख जाहिल कहीं का स्वर के मानी जो वो उच्चारण करता है, और स्वर केवल संस्कृत में होता है, बाकी दुनिया में कहीं स्वर नहीं है। क्या तेरे घर में बच्चा जन्म लेकर के जय भीम बोलता है, या किसी मुसलमान घर में जन्म लेकर के बच्चा अल्लाह अल्लाह बोलता है, मोहम्मद मोहम्मद चिल्लाता है, या ईसाई परिवार में जन्म लेकर के बच्चा ईसा ईसा मरियम मरियम चिल्लाता है, बाइबल बाइबल पुकारता है, या बौद्धों में जन्म लेकर के त्रिपिटक त्रिपिटक चिल्लाता है? जाहिल कहीं का जान, सच क्या है उसको जान, तब आ मैदान में। तुझे अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, बकवास किया जा रहा है। संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जो मनुष्य मात्र की भाषा है, मानव मात्र की भाषा है, आदि सृष्टि से है, आदि काल से है, जिसमें स्वर है। स्वर एक संस्कृत को छोड़कर के दुनिया में कहीं पर भी स्वर नहीं है। जिस भाषा की तू बात करेगा, आ उसमें स्वर कहाँ है उसको लेकर के सामने आ। बोली के रूप में रही है, सिर्फ कुछ षड्यंत्रकारी ही इसमें अपनी कुछ बातें गपोड़ते रहे हैं और षड्यंत्र करके जनमानस से छुपाते रहे हैं। इसको ये पता नहीं है षड्यंत्र होता है या षड्यंत्र होता है। ये षड्यंत्र को षड्यंत्र बोल रहा है, और जब अर्थ बदलेगा, मैं बोला ना कि दंते सौ और तालव्य सौ दोनों में अक्षर को हटाने से अर्थ बदलेगा, जिसका मैं सारा प्रमाण दिया हूँ। सकृत शब्द का अर्थ होता है एक बार, और सकृत शब्द का अर्थ होता है विष्ठा मल, और सकल का अर्थ होता है अपना, और स्वजन का अर्थ होता है अपना, और स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता का बच्चा। तो तू तो कुत्ता का बच्चा, जबकि तू तालवेशार दंतसा का उच्चारण ही जान रहा है। उच्चारण कहाँ से बनता है ये जानता है तू? तू बोल रहा है, बकवास कर रहा है कि संस्कृत भाषा नहीं रही कभी। संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जो मनुष्य मात्र का भाषा है। इसलिए वाकई में हमारे विद्वानों ने जान करके तुम जैसे जाहिलों को कोई जवाब दिया नहीं, लेकिन मेरे से तो रहा नहीं जाता है। मैं सही और गलत का निर्णय के लिए लोगों को सामने अपनी बातों को उजागर करता आया हूँ। इसीलिए इस वीडियो को कल से सुन करके मैं परेशान हुआ। यथार्थ लोगों को बताना मेरे लिए परम कर्तव्य है, इसीलिए मैं इस वीडियो को लोकालय में कर रहा हूँ, जनमानस के बीच में कर रहा हूँ, कि किस तरीके से मूर्खता को फैला रहे हैं, मानव समाज को वरगला रहे हैं, मानव समाज को सत्य से दूर करने में ये लोग लगे हुए हैं जो सच्चाई को जानते ही नहीं है। आगे सुनिए, किसी का नतीजा ये तमाम संस्कृत के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अंग्रेजों के आने के बाद जब उनने इनका भाष्य इंग्लिश में करके सार्वजनिक कर दिया, बोल रहा है इसको ये नहीं मालूम कि भाष्य होता है या भाष्य होता है। दंतेशा और मधनुषा दो, ये उच्चारण करने का स्थान ही अलग अलग है। भाष्य बोल रहा है, भाष्य, अरे वो जाहिल मूर्ख कहीं का भाष्य नहीं होता है, भाष्य होता है। तुझे ये अकल ही नहीं है कि तालवेशा मधनुषा दंतेशा तीन सा का उच्चारण कहाँ से होता है? तालवेशा जो तालु से उच्चारण होता है, और मधनुषा जो मूर्धा से उच्चारण होता है, दंतेशा जो दांत से उच्चारण होता है। जब तुझे इतना ही अकल नहीं है कि कौन सी अक्षर कहाँ से उच्चारण करना है, तो तू दुनिया को क्या बताने बैठ गया जाहिल कहीं का? या कुछ जर्मन स्कॉलर ने जर्मन में करके सार्वजनिक कर दिया, तब ब्राह्मणवाद ने यहाँ की लोकल भाषा में भाष्य कर, फिर बोला भाषा में भाष्य। अबे भाषा नहीं होता, भाषा होता। अभी तो मैं तालवेशा और मदनशा का दंतेशा उच्चारण का भेद बताया मैं तुझे, अब तू भाषा बोल रहा है। जब तुझे ये अकल ही नहीं है उच्चारण करने में, मैं बोला कि उच्चारण दोष से लोगों में बहुत भ्रामक दृष्टिकोण फैलता है। जब इसी उच्चारण दोष से ही
अर्थ बदल जाते हैं, लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तुझे अकल नाम की कोई चीज नहीं है, लेकर के बैठ गया खामा का, जो विषय तेरा नहीं है उसी विषय पर बोलने लग गया, जाहिल कहीं का। के अन्य लोगों में प्रचारित करना शुरू किया, तो अब सवाल यह उठता है, लोगों में प्रचारित करना शुरू किया, अब शुरू होता है या शुरू होता है यह भी अकल तुझे नहीं है कि यहां ये एक एक अक्षर को मैं इसको बताऊंगा कि ये मूर्ख जाहिल अपढ़ ये किस तरीके से उच्चारण दोष से अर्थ को बदला जाता है, इसको ये अकल नहीं है। शुरू बोल रहा है, जबकि होता है शुरू। कि किसका भाष्य अच्छा है, क्योंकि किसका भाष्य अच्छा है, भाष्य नहीं होता है जाहिल, भाष्य होता है और मूर्धन्यषा से उच्चारण होता है। भाष्य दंतेषा या नहीं है, मूर्धन्यषा या है, भाष्य। भाष्य में ही तो कंट्राडिक्शन है, कोई कहता है कि मेरा भाष्य अच्छा है, कोई कहता है मेरा भाष्य अच्छा है, तेरा भाष्य अच्छा है, तेरे बाप ने भाष किया है, भाष्य जाहिल मूर्ख कहीं का। उच्चारण पहले सीख ले, गुरुकुल में जाकर के पढ़, वर्ण उच्चारण शिक्षा पढ़ पहले, वो किताब जो ऋषि दयानंद ने लिखी है, उस वर्ण उच्चारण शिक्षा को पढ़ने के बाद ही तुझे पता लगेगा कि शिक्षा क्या है। जो मैं बोला हूं पहले ही, शिक्षा उसे ही कहा गया है ना कि उपदिश्यते सा शिक्षा, क्या उपदिश्यते, शिक्षयते, यत्र शिक्षा यते उपदिश्यते सा शिक्षा। तो इसको जानता नहीं है, झूठ मूठ बकवास कर रहा है कि इसको शिक्षा बोला जाता है, तू वही नहीं जानता है, तू जाहिल है, अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़े लिखे लोगों के बीच में दुनिया के सामने तू बोल रहा है अशुद्धि। इस पहले शुद्ध कर अपना उच्चारण, पहले शुद्ध कर, उसके बाद महामैदान में। कोई कहता है उसका भाष्य अच्छा है, वेद के मंत्र तो एक ही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 70 से ज्यादा भाष्य उपलब्ध हैं, लेकिन देखिए 70 से ज्यादा भाष्य उपलब्ध है, फिर ये कितना बार बोल रहा है। देखिए ये जब तू उच्चारण कर नहीं पाता, इसी उच्चारण दोष से मैं बोला ना कि उच्चारण करने से लोगों में क्या बोला, लोगों में भोला कि वो मूर्ख है, लोगों ने उसको मूर्ख कहा कि उच्चारण दोष का उपदेश करता हुआ वेद का महान प्रचारक सहायक सिद्ध होता है। तो ये प्रचारक बनने के लिए तुझे उच्चारण दोष को पहले ठीक करना पड़ेगा। तू उच्चारण गलत करके दुनिया वालों को बता रहा है, क्या दुनिया तेरे जैसा मूर्ख थोड़ी है, दुनिया तेरे जैसे ही अज्ञान थोड़ी है, अज्ञानी, दुनिया जानती है कि तालवेशा मदन सा दंत सा को उच्चारण कैसा करना चाहिए, सीख ले पहले। जितना पुराना आप भाष्य पढ़ें उतना ही अच्छा, क्योंकि जब कोई रचना होती है और उसके करीब जो भाष्य होता है वह ज्यादा, जो भाष्य होता है, जाहिल कितना बार बोल रहा है, तू पहले इसको सीख करके बोल ले गधे, इसको सीख आ पहले के भाष्य होता है या भाष्य होता है, पहले सीख जान ले। पुराना भाष्य सच्चाई के करीब होती है और बाद में उसमें मिलावटें होती चली जाती हैं। अगर आप तो यही मिलावट है जो तू भाष्य को भाष्य बोल रहा है ना, यही तो मिलावट है, और मिलावट तो खुद कर रहा है और दुनिया पर उंगली धर रहा है, मिलावट करने में तो खुद लगा है, भाष्य होता है भाष्य नहीं, तो ये तेरी मिलावट है। भाष्य को भाष बोलना ये मिलावट है, इसी तरीके से तेरे जैसे जाहिलों ने किया है, इन बौद्धिस्टों ने, वाम मार्गियों ने उन वैदिक संस्कृति को जितना नुकसान पहुंचाया है, मैं एक जन्म में उसको बोल करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा, और तुम लोग यही भ्रम फैला रहे हो, दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हो। वेदों का इतिहास पता करें तो आपको पता चलेगा कि इसका पहला भाष्यकर्ता महीधर, देखिए पहला भाष्यकर्ता महीधर, लेकिन तुम जाहिलों को ये मालूम नहीं है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसा केवल महीधर ने भी किया, शायन ने भी किया, अव्वट ने भी किया, मैक्स मूलर ने भी किया है, लेकिन एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। जैसा एक छोटा सा उदाहरण, ये उदाहरण ऋषि दयानंद ने भी दिया है,
कि संदव के माने होता है नमक और संदव के माने होता है घोड़ा, स्पेलिंग दोनों का एक है। अब भोजन करते समय कोई कहे कि संदव आना यति, संदव ले आओ, तो अगर भोजन करते समय कोई घोड़ा ले जाएगा तो मूर्खता होगी। ये जितने भी वेद के भाष्यकार हैं सब ने यही किया है कि संदव के जगह में घोड़ा और नमक होता है, तो नमक के जगह में घोड़ा, घोड़ा के जगह में नमक किया है। इसीलिए उन भाष्यकारों की वेदभाष्य की कोई मान्यता नहीं है। वेदभाष्य करने के लिए ऋषि अरविंद ने ही ऋषि दयानंद का समर्थन किया है। यौगिक अर्थ होना चाहिए, इसको जानना चाहिए, इसके बगैर नहीं बने। है किसी नौकर से कोई मालिक के संदव आनयती, तो गमन काल में उसको घोड़ा ले जाना होगा, तो घोड़ा के जगह में नमक और नमक के जगह में घोड़ा, इन सभी भाष्यकारों ने किया है जिसके जानकारी तुझे नहीं है। ठीक, इतना ही नहीं, अंग्रेजी में भी इतना ही है। अंग्रेजी में देखेगा वॉच, WATCH, वॉच, वॉच के माने लोग समझते हैं घड़ी, लेकिन इस वॉच को एक जगह और लगाया जाता है। वॉच के माने घड़ी ही नहीं है, वॉच के माने निरीक्षण भी होता है, स्पेलिंग वही है, WATCH, वॉच। वॉच माने निरीक्षण, वॉच माने घड़ी। अब निरीक्षण करने के लिए कोई गया, वहाँ बोलो वॉच है, उसको वॉचिंग मैन कहा जाता है जो निरीक्षण करने के लिए गया, तो उसको लोग कोई घड़ी वाला समझेगा, गधे कहीं का। तो यही भाष्यकारों ने यह सारा भाष्य इसी तरीके से गलत किया है। इनसे पहले अब ये तू जानता नहीं है, खामखा दुनिया के सामने में क्यों मुकाल, जान करके आ, पहले जानकारी ले उसके बाद आ सामने। कोई भी भाष्यकार का नाम किसी कोई भी भाष्यकार का नाम ब्राह्मणवादी इंसान ने आज तक न बताया है और न कहीं पे लिखा है। शंकराचार्य जो 8वीं सदी के थे, देखिए शंकराचार्य बोल रहा है, शंकराचार्य सीख ले उच्चारण बारे में किया जाता है। 13वीं सदी के सायण के देखिए बड़े भाई आनंद सायण बोल रहा है, जिनको माधवाचार्य के नाम से जाना जाता है, ने उनकी जीवनी की व्याख्या शंकर दिग्विजय में की है और वो किताब भी 20वीं सदी में ब्राह्मणों ने लिखी है। यानी कि माधवाचार्य ने शंकराचार्य का ब्राह्मणीकरण 13वीं शंकराचार्य को शंकराचार्य बोल रहा है। अब मैं बोल दिया कि तालवेशा को दंतेशा पढ़ने से, दंतेशा पढ़ने से अर्थ बदल जाएगा, और ये सब जगह यही किया है। जिसको जो उच्चारण करना नहीं आता तो दुनिया के सामने में आकर के बोलना है तो निर्लज्ज है भाई। सदी में किया था और सायण महिधर उवट भी 13वीं सदी में ही वेदों का भाष्य किए थे संस्कृत में, यानी वेदों का भाष्य किए थे संस्कृत में, वेदों का भाष्य किए थे संस्कृत में, मूर्ख कहीं का। की रचना 13वीं सदी के करीब में ही हुई थी या उससे थोड़ी पहले हुई थी, क्योंकि भाष्य की जरूरत तभी पड़ती है, भाष्य की जरूरत तभी पड़ती है, भाष्य की जरूरत नहीं होता, जरूरत होता है, जरूरत उर्दू शब्द है। जीम जाल जे जोए ज्वाद, 5 लेटर होता है उर्दू अरबी फारसी के। अब एक लेटर को हटाकर दूसरा लेटर लगाएंगे अर्थ बदल जाएगा। तुझे ये अकल नाम की कोई चीज नहीं है, आ जा मेरे पास, कुछ दिन पढ़ ले, सीख ले कुछ। जब रचना हो, और अगर आपने वीडियो 102 यानी कि पिछला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेदों की रचना कैसे और कब हुई थी। चूंकि वेदों की खाल सिर्फ एक वीडियो में नहीं उतारी जा सकती है, इसीलिए मैं इस पे कई सारी वीडियो बनाने वाला हूँ। सब वीडियो का तेरा जवाब दिया जाएगा। तू खाल उतारने वाला है, अकल के अंधे, गांठ के पूरे, खाल किसकी उतारी जाती है पहले उसको जान। तुझको पता ही नहीं है कि वेदों का खाल उतारने लगे, वेद क्या है उसको तू जानता नहीं है। अगर है हिम्मत, मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, आ जा सामने, सामने आकर के डिबेट कर, क्या जानता है वेदों के बारे में तू? मैं देखता हूँ वेदों के खाल उतारने, वेद है क्या, तुझे अकल ही नहीं है, वेद क्या है, किसको वेद बोला गया है तो उसे तू जानता नहीं है। वेद के माने ज्ञान होता है, ज्ञान अगर न हो तो कर्म कहाँ से होगा। यही तो कारण बना कि आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को ज्ञान दिया है, क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म का करना संभव नहीं होगा। वेदों के माने ज्ञान होता है,
और उस ज्ञान का तो खाल उतार रहा है। अबे तेरे ऊपर चमड़ी है, तू तो इंसान भी नहीं हो। और आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह वेदों में मांसाहार है, पशु हत्या है और उसे पकाकर खाने और देवताओं को भोग देने का प्रावधान है। और देखिए किस तरीके से ये वेद में मांसाहार नहीं है, और मैं खुली चुनौती दे रहा हूं तुझे, वेद में मांसाहार कहाँ है, इसी विषय पर आकर के डिबेट कर मेरे से। तू बोल रहा है कि वेद में मांसाहार किस तरीके से मांस काट करके खाने की विधि है वेद में, और इसी एक शब्द पर ही मैं तुझे खुली चुनौती दे रहा हूं दावा के साथ। आ जा, अपने पूरे वंशजों को लेकर के आ, तुझे सिखाने वाले कौन है उन सब को लेकर के आ, वेद में मांसाहार कहाँ है इस पर डिबेट कर। वेद में मांसाहार अगर दिखा नहीं पाया तो वेदों का खाल क्या उतारेगा तू, वही तेरे खाल उतारे जाएंगे। वेद में अगर मांसाहार नहीं दिखा पाया, मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता वीडियो, वेद में मांसाहार ना होने का एक छोटा सा प्रमाण मैं दे रहा हूँ कि वैदिक संस्कृति को ईश्वर सानिध्य पाने का केवल पहला सोपान है अहिंसा, हिंसा न करना मन वचन और कर्म से, क्योंकि हिंसा करने वाला कभी भी परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता। इसीलिए वेद में पहला सोपान अहिंसा आया है, तो हिंसा करने वाला कभी परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता। और मानव मात्र का लक्ष्य क्या है धरती पर, मानव मात्र का लक्ष्य है ईश्वर सानिध्य को प्राप्त करना। तो मांसाहार कहाँ है वेद में, आ जा सामने आ, फिर बात करेंगे सामने आ। अगर वेद में मांसाहार नहीं दिखा पाया मैं तेरी खाल उतारूंगा, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। मेरा नाम पंडित महेंद्र पाल आर्य है, आ सामने, खुली चुनौती दे रहा हूं। साथ में मैं यह भी दिखाऊंगा कि आधुनिक भाष्यकार कैसे फिर आधुनिक भाष्यकार कैसे उत्तर दे रहा है, सुना। उसी मंत्र की लीपा पोती करके मांसाहार को शाकाहार भी बनाने का असफल प्रयास कर रहे हैं और बुरी तरह से मांसाहार को कहते हो, मांसाहार को शाकाहार। अब देखिए इसका उच्चारण क्या है, पहले दुनिया वालों इनको सुनिए ये क्या उच्चारण कर रहे हैं, वह एक्सपोज भी हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक भाष्य जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी ने अपनी किताब सुरेंद्र कुमार, देखिए शर्मा लिखा है और शर्मा बोल रहा है, अरे जाहिल कहीं का, ये शर्मा और शर्मा में भेद क्या है उसको तो जान पहले, कि शर्मा किसको कहा जाता है और शर्मा किसको कहा जाता है, और इसमें लिखा शर्मा है या शर्मा लिखा है, लिखा तेरा ही है, तू ही दिखा रहा है अपने वीडियो में, इसमें शर्मा लिखा है तो शर्मा बोल रहा है, जाहिर मूर्ख कहेगा पहले अपनी मूर्खता को दूर कर, पहले अपनी विद्या को बढ़ा, किसी विद्वान के पास जा करके किसी विद्वानों के चरणों में बैठ करके पढ़ सीख ले, फिर उसके बाद आ करके बोल। ताप क्या बालू के भीत पे खड़ा है हिंदू धर्म में दिखाया है। दूसरा भाष्य आचार्य वेदांत तीर्थ के द्वारा की गई, फिर भी भाष्य बोला है, किताब से दिखाऊंगा। और तीसरा भाष्य गायत्री परिवार के द्वारा लिखे गए वेद भाष्य से दिखाऊंगा। तीसरा भाष्य गायत्री परिवार से वेद भाष्य, और इसमें भाष्य लिखा है कि भाष्य लिखा है, पहले पढ़, पहले इसमें देख ले क्या लिखा है। इसमें से गायत्री परिवार और वेदांत तीर्थ आधुनिक भाष्यकार हैं, इसीलिए इन दोनों ने काफी लीपा पोती की है। और जो सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी हैं, इन्होंने महिधर उवट सायड़ और जो प्राचीन भाष्यकर्ता हैं, उनके आधार पर भाष्य को दिखाया है, वेदों भाष्य को दिखाया है, शर्मा भाष्य को दिखाया है, ये शर्मा भाष्य सुना रहा है। में इतनी वाहियात और घटिया बातें लिखी हैं, यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बोलते हैं कि वेदों में मांसाहार नहीं है। ऋग्वेद 4th मंडल के 18 सूक्त के 13 मंत्र में लिखा है, हमने जीवनोपाय के अभाव में कुत्ते की अतड़ी को पकाकर खाया था, हमने देवों में मध्य में इंद्र के अतिरिक्त अन्य देव को सुखदायक नहीं पाया, हमने अपनी भार्या को असम्मानित होते देखा, इसके अनंतर इंद्र हमारे लिए मधुर जल लाए। अब यह सुरेंद्र को मैं इसी बात पर, यही भाष्य
अगर तू वेद का नहीं दिखा पाया, जो तू ऋग्वेद का 4:18-13 दिखा रहा है, और यही अर्थ अगर ना मिले वहाँ, यही अर्थ अगर ना दिखा पाए, तो मेरी खुली चुनौती, आ जा सामने आ। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि वेद में मांसाहार का आदेश कहाँ है, मांसाहार करने का उपदेश कहाँ है? उन जाहिलों ने, उन मूर्खों ने तो यही किया है, जैसे मैं संदर्भ के माने नमक, संदर्भ के माने घोड़ा बोला। यहाँ पर जो मांसाहार के लिए लिखा है कि वेद में मांसाहार का होना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वेद में कहाँ से मांसाहार हो जाएगा, कि वेद क्या है पहले उसको जान ले। जब वेद अगर परमात्मा की, परमात्मा का दिया हुआ उपदेश मानव मात्र के लिए तू मान रहा है, तो जो परमात्मा मांसाहार नहीं है बोला, क्या वही परमात्मा फिर उपदेश दे सकते हैं कि हाँ मांसाहार करो? परस्पर विरोधी बातें वेद में नहीं है। ये तेरे जैसे जाहिलों ने, तेरे गुरुओं जैसे लोगों ने, इन बामार्गियों ने ये भाष्य किया है। जैसे मैं ये बोला कि ये भाष्य करने वाले, जो भाष्य इन्होंने किया है कि वो बाम मार्गियों का है, और वही बाम मार्गी भाष्य तू पढ़ रहा है। इसीलिए ऋषि अरविंद, इनके किए हुए भाष्य को नहीं माना, चाहे वो सायन हो, मैदर हो, अवट हो और मैक्समूलर हो। ऋषि देव ने तो मोक्ष मूलर ही लिखा है उसको, वो मैं बोला अर्थ का अनर्थ किया है। जैसा संदर्भ के माने नमक, संदर्भ के माने घोड़ा, वाच के माने घड़ी, वाच के माने निरीक्षण, इस तरीके से अर्थ को बदल दिया है। कहाँ क्या लाना चाहिए, परिस्थिति, देश काल परिस्थिति को देख करके अर्थ नहीं किया है, इसीलिए इन सब भाषाओं की कोई मान्यता नहीं है। आजा अगर तू जानता है, मैं दावा के साथ खुली चुनौती दे रहा हूँ, खुला दरबार है, आजा मेरे सामने, इसी विषय पर ही हम शास्त्रार्थ करेंगे। कुमार शर्मा जी की किताब से था। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेदांत तीर्थ ने अपने ऋग्वेद भाष्य में इसी मंत्र का क्या भाष्य में, देखिए ऋग्वेद भाष्य में इसको ये पता नहीं है कि उसमें भाष्य लिखा है या भाष्य लिखा है। जब तू तालवेशा मदनसा दंतेशा का मैं बता दिया पहले, जो तू उच्चारण दोष इसको बोला जाता है, जो जिस तो जो जो तू जानता नहीं है कि गलत उच्चारण कर रहा है, इस गलत उच्चारण दोष से अर्थ बदल रहा है मूर्ख जाहिल कहीं का आसे किया है। उन्होंने लीपापोती करते हुए लिखा है, भूख से पीड़ित होकर हमने अभक्षणीय स्वान की अतड़ियों को भी पकाया। अब यहाँ उनने कुत्ते की जगह स्वान लिख दिया है, लेकिन फिर भी वह इस बात से इनकार नहीं। अब देखिए मैं ये पहले ही बोलता है, यहाँ स्वजन माने अपना, और स्वयं वहाँ स्वजन होगा, स्वजन के मानी है कुत्ता का बच्चा, और वहाँ स्वयं बता रहा है। ये तो तेरी भाषा में ही जो तू बोल रहा है उसी में ही भेद है, उसी में ही खोखला है, उसी में ही गड़बड़ झाला है। जो तू खुद बोल रहा है उसी, इसीलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ स्वजन के मानी होता है अपना, और स्वजन यानी स्वजन दंत से लिखा स्वजन, और तालवेशा से लिखा स्वजन, आदर्शा व ज अन्ना माने कुत्ता का बच्चा, ये रहा है। तभी तो मैं बोला गया ना कि ये स्वर शुद्ध उच्चारण करने से अर्थ कुछ होगा, और उच्चारण दोष से उसका अर्थ बदलेगा। ये जो स्वर उक्त अशुद्ध उच्चारण अनिष्ट फलदायक है, अशुद्ध उच्चारण क्या है, अनिष्ट फलदायक है, अनिष्ट करता है उच्चारण से। इसीलिए किसको निष्ठ बोला जाता है, किसको अनिष्ट बोला जाता है, उसी को ही जान कर क्या पहले अपने माँ बाप से कर पाए हैं कि उन्होंने अभक्षणीय स्वान की अतड़ियों को पकाया, यानी यहाँ मांस पकाने की बात तो हुई ही है। आइए इसका वेरिफिकेशन मैं आप वेरिफिकेशन अबे अंग्रेजी जानता भी है, वेरिफिकेशन होता है कि वेरिफिकेशन होता है, और स्वजन के माने मैं बोला ना, स्वजन शब्द आता है वहाँ, कुत्ते के बच्चा का स्वजन होता है, और कुत्ते के अतड़ी को स्वयं बता रहा है। आपको गायत्री परिवार के ऋग्वेद भाष्य से कर देता हूँ। इसमें लिखा है, हमने क्षुधा से पीड़ित होकर कुत्ते की अभक्षणीय अतड़ियों को भी पकाया। तो यहाँ आपने देखा कि इसमें भी कुत्ते की अभक्षणीय अतड़ियों को भी पकाया, सीधी सी बात है। ये
आचार्य श्रीराम शर्मा कोई ऑथेंटिक वेद के विद्वान नहीं है, इन्होंने तो दुनिया को पैसा दे दे करके लिखवाया है। वो वैदिक विद्वान थोड़े ही थे, अगर वैदिक विद्वान होते तो 26 मूर्तियों को थोड़े ही जन्म दे करके जाते। वो ये गायत्री परिवार वाले वेद का वाह नहीं जानते हैं, श्रीराम शर्मा वेद को जानते ही नहीं थे, वो तो दुनिया को पैसा दे दे करके लिखवाया है। इसीलिए जहाँ जहाँ अनर्थ किया है वो वैदिक भाषा नहीं है। यही तो कारण बना कि ऋषि अरविंद ने बोला है कि ये साइन माइदर अवट आदि या मैक्स मूलर आदि जितने भी वेदों के भाष्यकार हैं उनकी मैं नहीं मानता हूँ। कारण वो लोग आध्यात्मिकता को जानते नहीं थे, यौगिक अर्थ को नहीं जानते थे। यौगिक अर्थ अगर किया है तो वह केवल 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 मात्र ऋषि दयानंद ने किया है। इसीलिए यौगिक अर्थ क्या है उसको जान पहले, फिर उसके बाद बोल। है कि यहाँ गायत्री परिवार जो कि पूर्ण रूपेण से शाकाहारी का प्रचार करते हैं, इन्होंने तमाम मांसाहार के मंत्रों को शाकाहार में बदलने की कोशिश की है शब्दों का बलात्कार करके। इसकी कोशिश की है, कोशिश, अरे जाहिल, कोशिश होता है कि कोशिश होता है, पहले सीख कर क्या। मैं बोला ना कि अशुद्ध उच्चारण से अनिष्ट फलदायक होता है, अनिष्ट होता है उसका फल, अशुद्ध उच्चारण से उसका फल क्या होता है, अनिष्ट। जानता है तू अनिष्ट क्या है, अनिष्ट क्या है? नहीं जानता है, आजा मैं बता रहा हूं कि मेरे पास आजा, कुछ दिन पढ़ ले। इस मंत्र में से मांसाहार को नहीं हटा पाए हैं, इससे आप समझ गए होंगे कि वेदों में जानवरों को मारने नहीं बल्कि उनको पकाने की भी बात हो रही है। और जानवर को पकाता कौन है, जब आप उसको खाने वाले हो या भोग लगाने वाले हो। बाकी आप लोग समझदार हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162 सूक्त के थर्ड मंत्र को देखिए, इसका अनुवाद में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी लिखते हैं, सब देवों। मैं बोला कि तेरे इसी एक विषय पर ही मैं तुझे चुनौती दे रहा हूँ, मैं तुझे चुनौती दे रहा हूँ, खुली चुनौती है मेरी, कि इसी जो तू दिखा रहा है कि वेद में मांसाहार है, इसी विषय पर खुली चुनौती है, डिबेट करने के लिए सामने आ। मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य बोल रहा हूँ, मेरी जो अपनी साइट है वो है vedicgyan.com और मेल है mpary1983@gmail.com। फेसबुक में पेज है दो, एक महेंद्र पाल आर्य के नाम से, दूसरा है पंडित महेंद्र पाल के आर्य के नाम से। आजा स्वागत है तेरा, मैं चुनौती दे रहा हूँ, इसी विषय पर ही जो तू बोल रहा है इसी विषय पर ही हम डिबेट करेंगे और दुनिया को जता देंगे कि तू सही बोल रहा है या मैं सही बोल रहा हूँ, तू सच्चा है या मैं सच्चा हूँ। दुनिया वाले जान जाएंगे कि वेद में मांसाहार है अथवा नहीं। दुनिया वालों को जानकारी देने के लिए सामने बैठ करके डिबेट करना पड़ेगा और लिखा पढ़ी करके डिबेट करेंगे। मैं ये चुनौती सभी को दे रखा हूँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैनी हो, बौद्धी हो, ईसाई हो, जो भी हो, खुली चुनौती है। और स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके हम डिबेट करेंगे, उस बकायदा लिखा होगा कि जो भीतर के कसौटी पर जो सच उतरे, जिनकी बात सच हो, उसको सबको मानना होगा और जो हार जाएंगे उनको सब उनको भी मानना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर जानना चाहता है या जानकारी देना चाहता है तो सामने आ करके इसी विषय पर ही डिबेट कर ले। के लिए उपयुक्त छाग यानी कि बकरा पूसा देवता के ही अंश हिस्से में पड़ता है, इसे शीघ्र गाम। देखिए अंश बोल रहा है, वहाँ अंश होता है या अंश होता है या अंश होता है इतनी जानकारी नहीं, वो तो मैं सब जगह दिखा दिया, पर गलती खाली इनकी नहीं है, बहुत सारे हमारे गुरुकुल में पढ़े हुए विद्यार्थियों को भी नहीं मालूम, पढ़ाने वाले आचार्यों को भी नहीं मालूम तल्व शब्द अंश दशा का उच्चारण। ये तो गुरुकुल का है भी नहीं, गुरुकुल में पढ़ा भी नहीं है, तो मैं क्या क्या बताऊँ। फिर भी जो इसकी जो गलती है वो गलती मैं आप लोगों के सामने पकड़ करके दे रहा हूँ कि यहाँ यहाँ ये गलत बोल रहा है। अश्व के साथ सामने लाया जाता है, अतएव त्वष्टा देवता के सुंदर भोजन के लिए अश्व के साथ इस छाग से सुखाद सुखपूर्वक खाने योग्य।
योग्य पुरोडास तैयार किया जाए। सुना आपने, बकरा और घोड़ा खाने की बात हो रही है और पुरोडास का मतलब है कि यहाँ घोड़े और बकरे को पकाकर जो चीजें तैयार की जा रही हैं। इसी मंत्र का अर्थ बदलते हुए पूरी लीपापोती करते हुए वेदांत तीर्थ अपने भाष्य में लिखते हैं इसको घोड़े और बकरा का भी भेद नहीं लग रहा कि घोड़े और बकरा में क्या भेद है, किसको घोड़ा बोला गया किसको बकरा बोला गया उतनी जानकारी इसको नहीं है। और क्या बकवास कर रहे हैं, कैसे लोग हैं जो दुनिया में इस तरीके से बकवास करते हैं, वीडियो बना करके YouTube में डाल रखा। मैं नहीं समझ पाया कि ऐसे लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि कब देंगे। हैं बलशाली अश्वों के आगे बलशाली बलशाली हो नहीं होता है बलशाली होता है यह अज लाया जाता है, तब यजमान उस अश्व के साथ अज को प्रिय लगने वाले पुराडोस आदि का भाग देकर यशस्वी होते हैं। देखिए, इनने यहाँ से उस शब्द को ही गायब कर दिया और सीधे शब्द को ही गायब कर दिया। शब्द गायब है तो वेद में एक भी कोई भी नीम कलम का नीम नहीं रख सकता। गधे के औलाद, तुझे ये मालूम नहीं है कि वेद में वेद स्वतः प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है। वेद में कोई भी कलम का नींव तक नहीं रख सकता। नींव रखने से उच्चारण उसके बदल जाएंगे, उसमें अक्षर बन जाएगा। नासिका वचन और नासिका, नाक से उच्चारण करने वाले अक्षर बन जाएंगे। तो वेद में कलम का नींव धरना संभव नहीं है और तू बोल रहा है कि इसमें अक्षर को बदल दिया गया। कैसे अक्षर बदलेंगे बंधुओं, देख लिया। इसी प्रकार से ये धरती पर वेद के खिलाफ किस तरीके से लोग लगे हुए हैं, वेद विरुद्ध प्रचार किस तरीके से लोग कर रहे हैं, जो वेद का वह नहीं जानते हैं, जिसको अक्षर ज्ञानी नहीं है, जो अक्षर ज्ञान जिसके पास नहीं है, वो लोग ये गलत बोल रहे हैं। इसीलिए फिर मैं दोहरा देता हूँ इस बात को कि यहाँ वेद पाठ करने से उसके स्वर की शुद्धि, स्वरयुक्त शुद्ध उच्चारण करना अनिवार्य होता है। और केवल वेद ही नहीं अपितु कोई भी भाषा आप बोलेंगे, बोली बोलेंगे, तो उसको आपको शुद्ध उच्चारण करना पड़ेगा। इसीलिए स्वरवर्ण उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षयते उपदिश्यते सा शिक्षा, ये मैं पहले ही बोला था। अर्थात शिक्षा किसको कहा गया है, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे ही विद्वान कहा जाता है। अब जो पढ़ा नहीं, अपढ़ है, तुझको उच्चारण कहाँ से आएंगे। इसीलिए तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार बताया है, वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान संयुक्त शिक्षायद्धा, ये आया है। तो यहाँ अशुद्ध उच्चारण करने से उसके अशुभ लाभ होता है, यानी सुखदायक नहीं दुखदायक होता है। अशुद्ध उच्चारण करने से अनिष्ट फल होता है। यही कारण बना, इसके उच्चारण में भी मैं ये बता दिया हूँ कि स्वजन दंत स्व से उच्चारण करेंगे, आधा स व ज न विसर्ग स्वजन सजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत सकृता, अर्थात स्वजन अपना व्यक्ति, इसको स्वजन तालवेश से पढ़ेंगे, तालवेश का आधा आधा शा व ज न, स्वजन के माने कुत्ते का बच्चा। सकल दंत काला, सकल सकल माने संपूर्ण, इसको अगर शकल पढ़ेंगे तालवेश काला पढ़ेंगे तो शकल का अर्थ होगा टुकड़ा। सकृत सा का के नीचे री अत्ता, सकृत माने एक बार के स्थान पर, अगर तालवेशा दंत सा को हटाकर तालवेशा पढ़ेंगे तालवेशा का के नीचे री अत्ता आधा ता, ये मिलकर के क्या होगा विष्ठा ना बोला जाए, अर्थात
जो बोलना नहीं चाहिए। इस प्रकार से आपने देखा है, मैं ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना युक्तियुक्त समझा कि आज धरती पर किस तरीके से वेद के नाम से अनर्गल पढ़ आप लोग कर रहे हैं जो वेद का बुआ जानते नहीं। अगर वेद के जानकार होते तब तो कोई बात थी, वेद का बुआ जानते नहीं है। जिसको देश उच्चारण नहीं करना आता, जिसको भाष्य बोलना है, जिसको भाष्य उच्चारण करना नहीं आता, तो गलत उच्चारण करते हुए ये समाज का अनिष्ट कर रहे हैं। अनिष्ट तो अपना भी कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ समाज का अनिष्ट करने में लगे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि यह जो बोल रहा है कि वेद में मांसाहार की विधि है, वेद में मांस खाना लिखा है, मैं इसको खुली चुनौती दे रहा हूँ। ये कौन है, कहाँ है, कैसा है, किसका है, मुझे नहीं मालूम। आप लोग इसे निकाल कर सामने लाइए, मेरे साथ डिबेट करें, और वेद में मांसाहार कहाँ है वो जो बोल रहा है उसी पर ही डिबेट हो। अगर वो सिद्ध कर दे तो जितने उपस्थित जन होंगे सबको मान्य होगा, और अगर वो प्रस्तुत नहीं कर पाया, सिद्ध नहीं कर पाया, तो ये वेद की खाल उतारने की बात ये कर रहा है, उसी के खाल उतारे जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी आर्यजनों को ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए, और आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। कहिए भारत माता की।